साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम क्यूज यूट्यूब चैनल में। तो राजस्थान इतिहास का अध्ययन कर रहे थे अपन, और अपन ने पहला जो टॉपिक पढ़ा था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, ठीक है, उसके प्रश्न अपन ने देख लिए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आज जो दूसरा टॉपिक है वो है यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार राजवंश, और इस टॉपिक के आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप सभी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो जीके प्रथम प्रश्न पत्र हैं, सिलेबस के अनुसार आपको पूरे टॉपिक के प्रश्न जो हैं वो मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत। देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? जो प्रतिहार राजवंश था तो इनकी कौन सी शाखा है जो पुरातन यानी प्राचीन मानी जाती है? तो झालोर, मंडोर, मारवाड़ या फिर उज्जैन। आप भी साथ ही साथ में स्कोर कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही किए हैं। देखिएगा इसका उत्तर जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर मंडोर, ठीक है, मंडोर शाखा। अगला प्रश्न देखिए, दो नंबर हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो कौन सा शासक था जिन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो मंडोर से कहाँ पर स्थापित की थी? मेड़ता। तो ककुक, रजिल, नागभट या फिर बाउक। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा यहाँ पर नागभट, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आबानेरी तथा राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव हैं वो किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गुहिल सिसोदिया और राठौड़। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चार नंबर, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? कौन सी उपाधि? आदि वराह की उपाधि। नागभट प्रथम, नागभट द्वितीय, वत्सराज या फिर मिहिरभोज। तो आदि वराह की उपाधि धारण करने वाला कौन था यहाँ पर? मिहिरभोज, ठीक है। इसके बाद देखिए पाँच नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिरभोज के द्वारा रचित नहीं है? सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, कृत्य कल्पतरु, राज मरडाड और धर्म संग्रह। तो मिहिरभोज के द्वारा रचित कौन सी पुस्तक यहाँ पर नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा धर्म संग्रह, ठीक है, ये इसकी नहीं है। छठा प्रश्न देखिए, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था? देखिए कौन सी उपाधि? परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि। तो वत्सराज, नागभट द्वितीय, मिहिरभोज, महेंद्रपाल प्रथम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? नागभट द्वितीय, ठीक है, नागभट द्वितीय ने ही परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखिए, सात नंबर है, निम्न में से कौन सा शासक गोड यानी बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? किसके? भोज प्रथम के समकालीन शासक कौन था? तो ककुक, देवपाल, त्रिलोचन या फिर रामभद्र। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा देवपाल, ठीक है। चलिए आठ नंबर प्रश्न देखिएगा, घटियाला शिलालेख से जानकारी मिलती है? देखिए साथ साथ में आप स्कोर करते रहिए ताकि आपकी तैयारी कितनी हो रही है उसका पता भी आपको लग जाएगा कि इस टॉपिक को अपने अगर पढ़ा है तो कितने प्रश्न आपकी इस टॉपिक से सही होते हैं, ठीक है। वो आप लास्ट में कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि आपके जो 25 क्वेश्चन हैं तो 25 में से आपने कितने यहाँ पर
अटेंड किए हैं। गटियाला शिलालेख से जानकारी मिलती है प्रतिहार वंश, गुहिल वंश, चौहान वंश और राठौड़ वंश। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, प्रतिहार वंश। नौ नंबर देखिएगा, किस शासक के काल में बेराट से एक मौर्य बिन स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है। देखिए मौर्य बिन कौन सी स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है, तो मान सिंह, ईश्वरी सिंह, जय सिंह या फिर राम सिंह। राइट क्या हो जाएगा, राम सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दस नंबर, ग्वालियर प्रशस्ति की शासक के द्वारा अरबों के दमन का उल्लेख करती हैं, कौन सी प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति, नागबड़ द्वितीय, नागबड़ प्रथम, वत्सराज, हरिश्चंद्र। तो ग्वालियर प्रशस्ति की शासक के द्वारा अरबों के दमन का उल्लेख करती हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नागबट प्रथम। ठीक है, ग्यारह नंबर प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक ने मंडोर को राजधानी बनाया था, किसको, मंडोर को, हरिश्चंद्र, रजिल, भोगभट या फिर नागभट। तो मंडोर को राजधानी बनाने वाला कौन था, हरिश्चंद्र। ठीक है, इसके बाद में देखिए बारह नंबर प्रश्न है, दौलतपुर लेख में मिहिरबोज की किस उपाधि का उल्लेख है, कौन से लेख में, दौलतपुर लेख में मिहिरबोज ने यहाँ पर कौन सी उपाधि तीस की, तो आदिवराह, प्रभास, वरुआ या फिर परम भागवत। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रभास की उपाधि। ठीक है, कौन सी उपाधि, प्रभास। इसके बाद देखिए तेरह नंबर प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा जी में समाधि ले ली थी, नागबड़ द्वितीय, नागबड़ प्रथम, वत्सराज, हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, नागबट द्वितीय। ठीक है, चौदह नंबर प्रश्न है, किस अरब यात्री के अनुसार प्रतिहारों की अश्व सेना, पालों की हस्ती सेना और राष्ट्रकूटों की पैदल सेना भारत में सर्वश्रेष्ठ थी, सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुलेमान। ठीक है, इसके बाद देखिए पंद्रह नंबर प्रश्न है, प्रतिहार शासक मिहिरबोज उपासक था, भगवान विष्णु, भगवान शिव, लक्ष्मी जी, महात्मा बुद्ध। तो मिहिरबोज किसके उपासक था, यह हो जाएगा भगवान विष्णु। इसके बाद देखिए सोलह नंबर प्रश्न, प्रतिहार शासक वत्सराज किसमें जैन आचार्य उद्योतन सूरी ने किस स्थान पर प्रसिद्ध ग्रंथ कुवलयमाला की रचना की थी, जालोर, मेड़ता, मंडोर या फिर उज्जैन। तो प्रतिहार शासक जो वत्सराज था, तो ये वत्सराज के समय जैन आचार्य उद्योतन सूरी ने किस स्थान पर कुवलयमाला की रचना की थी, तो ये की थी जालोर के अंदर। ठीक है, कहाँ पर, जालोर में। अगला देखिए सत्रह नंबर, कौन सा ग्रंथ राजशेखर का नहीं है, कपूर मंजरी, बाल भारत, प्रचंड पांडव और विक्रमार्जुन विजय। तो राजशेखर का है कपूर मंजरी, बाल भारत और प्रचंड पांडव, ये नहीं है। ठीक है, राइट आंसर क्या जाएगा, विक्रमार्जुन विजय। आगे देखिए, देखिए अठारह नंबर प्रश्न, इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार नरेश नागबट प्रथम ने अपनी राजधानी स्थापित की थी, जालोर, मेड़ता, मंडोर, उज्जैन। तो प्रतिहार नरेश नागबट ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी, किसके अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालोर। ठीक है, इसके बाद देखिए उन्नीस नंबर प्रश्न, किस प्रतिहारकालीन मंदिर को वर्तमान में महामंदिर के नाम से जाना जाता है
जो कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। किस संप्रदाय की? नाथ संप्रदाय की। तो सिद्धेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव, हरिहर मंदिर, एकलिंग मंदिर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सिद्धेश्वर महादेव। इसके बाद देखिए 20 नंबर प्रश्न है, गुर्जर जाति का प्रथम अभिलेखीय उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? कौन सी जाति का? गुर्जर जाति का। प्रयाग प्रशस्ति, हिरण अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो गुर्जर जाति का जो प्रथम अभिलेखीय उल्लेख है वो मिलता है यहाँ पर ऐहोल अभिलेख में, ठीक है। इसके बाद देखिए 21 नंबर प्रश्न, कौन सा शासक अपनी राजधानी से महमूद गजनवी के समय पलायन कर गया था, यानी भाग गया था? राज्यपाल, महिपाल, यशपाल, महेंद्रपाल। तो कौन था वो? राइट आंसर है राज्यपाल। इसके बाद देखिए 22 नंबर प्रश्न, अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? यहाँ पर आ जाएगा मिहिर बोझ, महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम और बोझ द्वितीय। तो बताइए अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था महिपाल प्रथम के समय, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 23 नंबर, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? अलबरूनी, अब्दुल रजाक, सुलेमान और मार्को पोलो। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसमें? सुलेमान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर बनाई थी? तो वत्सराज प्रथम, भोजराज प्रथम, नागपट प्रथम और देवपाल प्रथम। तो मंडोर राजधानी किसने बनाई थी? ये हो जाएगा नागपट प्रथम, ठीक है। और 25 नंबर का प्रश्न देखिए, और इससे पहले अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड टॉपिक अनुसार टेस्ट सीरीज मिल रही है, तो आप फ़ायदा उठाइए इनका। और पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने साथियों से भी शेयर कर देना, ठीक है। लास्ट प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पीलो मोलो, बीनमाल, बुड्ढा पुष्कर अजमेर, मंडवेपुर जोधपुर ग्रामीण और जंगल प्रदेश बीकानेर। तो गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? पीलो मोलो यानी भीनमाल, ठीक है। तो ये आज के थे 25 प्रश्न। इस 25 प्रश्न में से आपने कितने सही किए हैं वो आप कमेंट में बताइएगा, और ऐसी ही टेस्ट सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।